चरण में एक और फ्रेश भर्ती मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। भारतीय नौसेना में भर्ती निकल के आ गई है, भारतीय नौसेना में भर्ती निकल के आ गई है, एकदम फ्रेश भर्ती निकल के आ गई। अपनी पिछली 2 तारीख को ये भर्ती निकल के आ गई, जो आज ये वीडियो आपको 7 तारीख को लेकर आ गया हूँ मैं। तो भारतीय नौसेना को भर्ती निकल के आ गई, बहुत बढ़िया फ्रेश भर्ती निकल के आ गई। सब लोग फॉर्म भरना बिल्कुल भी मत भूलेगा, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। अब पूरी बात हमारी अच्छे से सुनते जाइएगा, ठीक है। भारतीय नौसेना में भर्ती निकल के आ गई, इंडियन नेवी में निकल के भर्ती आ गई 2018, ठीक है। पोस्ट आपकी दी गई है वेरियस, जो अभी अभी निर्धारित नहीं की गई है। आप फॉर्म भरेंगे तो पोस्ट आपको वहीं से पता चल जाएगी। पोस्ट यहाँ पे जब हमें बताई नहीं गई तो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। आप पोस्ट वेरियस दी गई तो इसमें कोई डेटा नहीं दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांग गया है 10+12, यानी कि 10+2, 12th पास होना चाहिए आपको इस भर्ती के लिए। 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। बायोलॉजी वाले इस फॉर्म को हम नहीं भर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जो है वो इस फॉर्म को भरने की पूरी पूरी एबिलिटी रखता है। और प्लस इसमें मांगा गया है बीटेक मांगा गया है। और उसके साथ प्लस अगर बीटेक अगर आप नहीं भी किए हो तो एक मोहलत दी गई है आपको, आप जेईई का फॉर्म भरे हो, जेईई का फॉर्म भरे हो, करना चुके हो, केवल भरे हो, वो मांगा गया आपसे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है 12th पास पीसीएम एंड अप्लाइड फॉर जेईई एग्जाम, यानी कि आपने 12th पास कर दिया, जेईई के लिए अगर आपने फॉर्म भर दिया तो इस नौकरी को भरने के लिए पूरी पूरी एबिलिटी अपने पास रखते हो, ठीक है। 12th पास ही भर्ती निकली है, ठीक है। और अब पोस्ट पोस्ट नेम की बात करते हैं, तो पोस्ट नेम पे यहाँ पे लिखा 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। ये सब आपको हमारे नोटिफिकेशन में अच्छे से समझा दिया गया है। नोटिफिकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरी पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब पूरी बात हमारी अच्छे से सुनते रहिएगा। क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया है, बीटेक करे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे हो जेईई फॉर्म के लिए अप्लाइड कर दिए तो फॉर्म में भर सकते हो। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया यहाँ पे दी गई है, और जॉब के लिए फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं ये भी आपका ऑल इंडिया दिया गया है, ठीक है। ऑल इंडिया आपका दिया गया, आप कहीं के भी हो, आप उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से हो, आप बिहार से हो, आप झारखंड से हो, आप रांची से हो, आप बिहार, आप राजस्थान से हो, आप जहां से भी हो इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। या जॉब लोकेशन आपकी होगी ऑल इंडिया, जैसे कि आप फॉर्म भरते हो तो आप कहीं पे भी जहाँ इसके सेंटर्स बने हैं वो आपको कहीं से भी बुलाया जा सकता है। ऑल इंडिया में किसी भी कोने में जहाँ इसके सेंटर बने होंगे वहाँ पे आपको नौकरी दी जा सकती है। सैलरी एकदम बढ़िया है, अभी आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। पूरी अच्छे से बात सुनते रहिएगा बस मेरी। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑल इंडिया, आप इस फॉर्म को कंप्लीट भरते हो, आपका नाम आ जाता है तो सेंटर आपका कहीं भी निर्धारित होगा, वो आपको कॉल या फिर आपके ईमेल आईडी पे बता दिया जाएगा। वो आप जिसमें प्रोसेस होती होगी वो आपको कर दिया जाएगा, आप जान जाओगे फिलहाल, ठीक है, अगर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज की। तो एज यहाँ पे दिया गया है 2/7/1999। पूरी बात अच्छे से सुनिएगा, एज वाला बहुत ही टॉपिक अच्छा है। एज यहाँ पे दी गई है 2/7/1999 से लेकर के, यानी कि अगर आप 1999 में आपका अगर जन्म हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1999 से हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 1998 नहीं है, 1997 नहीं, 1996 इससे पहले के नहीं, इससे आगे के, और इससे आगे के भी ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं 2/7/1999 से 1/1/2002 तक के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है केवल वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस। पूरी बात समझ में आई? 2/7/1999 से लेकर के 1/1/2002 तक की ये फॉर्म भरा जा सकता है, बस। इसके आगे कोई डेट नहीं दी गई है, इसके आगे कुछ भी नहीं दिया गया, इसके आप फॉर्म नहीं भर सकते। जो बीच में है, यानी कि हमारी उम्र होगी आपकी, ज्यादातर आप जो वीडियोस देख रहे होंगे, मेरे ही वीडियोस देख रहे होंगे, तो आपकी उम्र होगी आपकी 1999 में, तो 100% में होंगे। तो आप इस फॉर्म को भी आप बिल्कुल भी भरना मिस मत करिएगा, बहुत अच्छा फॉर्म है, बहुत अच्छी नौकरी है। उम्मीद है अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो बधाई देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात करते हैं फॉर्म लास्ट डेट की। फॉर्म लास्ट डेट है आज 7 तारीख है, 2 दिन पहले, सॉरी 2 तारीख को ये फॉर्म निकला था, और लास्ट डेट है आपकी 21/6/2018, 21 जून 2018 फॉर्म की लास्ट डेट है, 21 जून 2018, यानी कि अभी आपके पास मुश्किल से 18-19 दिन है, शायद 18-19 दिन है। आज 7 तारीख है, 3 इधर जोड़ लो, 10 उधर जोड़ लो, 13 दिन है, हाँ 13 दिन है, और 21 को तो फॉर्म भरा ही जाना, 13 दिन है, 13, 14 दिन है, 14 दिन, करेक्ट 14 दिन है आज से, ठीक है, 14 दिन हो गए आपके। फॉर्म लास्ट डेट है 21/6/2018, ठीक। और फॉर्म फीस आपको जनरल प्लस ओबीसी एससी एससी फीमेल एकदम फ्री दी गई है, फ्री दी गई। अभी आपको फीस के बारे में आगे बताता हूँ, ठीक है, एकदम फ्री दी गई। आप जनरल ओबीसी हो, एससी एससी हो, जैसे भी हो, फीमेल हो, फॉर्म एकदम फ्री है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया,
ये बहुत महत्वपूर्ण देता है आपको। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसी के आधार पर होना है। अब पूरी बात सिलेक्शन प्रोसेस में सुनेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, आपको एक नौकरी में रखा जाएगा कब? जब आपका फिजिकल टेस्ट में आप पास होगे। फिजिकल स्टैंडर्ड फर्स्ट है आपका, फिर आपका सेकेंड है इंटरव्यू, फिर थर्ड है आपका ग्रुप डिस्कशन। अब एक कमेटी बैठाई जाएगी, उसी ग्रुप डिस्कशन के आधार पर आपका इस नौकरी में आपको लिया जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट है आपका मेडिकल मेडिकल टेस्ट। कितनी चीज हो गई? चार चीज हो गई। ये चार चीज अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को, इस नौकरी में आपको लिया जा सकता है। पहली चीज फिजिकल स्टैंडर्ड, सेकेंड चीज आपकी इंटरव्यू, थर्ड चीज आपका ग्रुप डिस्कशन और फोर्थ चीज मेडिकल टेस्ट। इन चारों में अगर आप पास हो गए तो आप नौकरी में आपका जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की भी। ये सैलरी आप 80,000 रुपये से शुरू हो रही है। जितने भी आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपको 80,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। नौसेना में 80,000 रुपये सैलरी आपको दी ही दी जाएगी आपकी ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग यहाँ पे 8 महीने की दी गई है। 8 महीने आपको ट्रेनिंग होनी है। 4 महीने कोई अलग जिले में होगी और 4 महीने किसी अलग जगह पे होगी। तो वो ट्रेनिंग आपको नोटिफिकेशन, जैसे आपका नाम आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ आपको बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के दौरान आपको 80,000 रुपये फीस दी जाएगी। अगर ट्रेनिंग आप बढ़िया से कर ले जाते हो, बढ़िया से तो कर ही ले जाओगे, अगर आप नौकरी आपकी आ जाती है तो आपको वही वही फीस डबल करके 90,000 रुपए से यहाँ पे 1,60,000 रुपए तक की आपकी फीस जानी ही जानी है। अगले 6 महीने या फिर 8 महीने के अंदर जानी ही जानी, आगे वो आपका देता रहेगा। सैलरी आपकी फिलहाल अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में हो तो 80,000 है, और इसके बाद अगर आपकी नौकरी एकदम फिक्स हो जाती है ट्रेनिंग के बाद, वो है आपकी 96,200 रुपए। यहाँ से लिखा है 96,200 रुपए से स्टार्टिंग होगी एकदम फीस पर मंथ, ठीक है। अब बात करते हैं आप इस फॉर्म को कैसे भरोगे। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरा जाना है। फॉर्म लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस फॉर्म को, सॉरी फॉर्म के लिंक को आप कॉपी कर लोगे, फिर आप अपने किसी नजदीकी जनसेवा केंद्र, वहां से जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जनसेवा केंद्र वाला केवल फॉर्म फीस नहीं लेगा वो आपसे, वो अपनी फीस लेगा। फॉर्म फीस एकदम फ्री दी गई है। आप चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ST ST, वो उसकी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। फॉर्म फीस यहाँ पे एकदम फ्री दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। फॉर्म आपका जनसेवा केंद्र पर उसी लिंक को ले जाकर के अपनी पूरी क्वालिफिकेशन, जैसे जैसे आपको मैंने बताया, जैसे जैसे आपको ज्यादा जानकारी की नोटिफिकेशन भी दिया गया, डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन में एकदम क्लियरिटी आपकी दी गई है। क्वालिफिकेशन कैसे कैसे मांगा गया, क्या क्या आपका मांगा गया, सब आपको अपने हमारे नोटिफिकेशन में देखा। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा एकदम अच्छे से दिमाग खोल करके, तब आप इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में हमारे दोनों चीज दी गई है। पहले तो आपको सबसे ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके थोड़ा सा नीचे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। वो अप्लाई लिंक ले जाकर के जनसेवा केंद्र अपने किसी नजदीकी साइबर कैफे पर ले जाकर के आप इस फॉर्म को कंप्लीट भर सकते हो, ठीक है। अब इतने थे मेरी ओपिनियंस इस जॉब को लेकर के। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक की लाइक और शेयर नहीं किया तो भैया लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और लाल वाले बटन से सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए पर डे इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.